डरने की, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा मास्क, जिससे आप अपनी ऑयली स्किन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी स्किन से जो ऑयल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी स्किन को एक नॉर्मल स्किन बना सकते हैं। क्योंकि मेरी भी स्किन ऑयली है तो मैं भी स्किन की वजह से बहुत परेशान थी, ना मेकअप टिकता है और ना कुछ, और थोड़ी ही देर बाद स्किन से ऐसे ऑयल निकलता है जैसे तेल की कोई कान खुल गई हो। सो इस ट्रिप को आप जरूर आजमाएं, मैंने भी इसको आजमाया है और अप्लाई किया है, तो मेरे इससे जो स्किन में जो ऑयल था वो कंट्रोल हो गया। सो आई होप कि आप लोग भी इसको ट्राई करें और आपके लिए भी फायदेमंद हो। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने खीरा ले लेना है और इसको धोकर अच्छी तरह से, तो इसको छील लेना है और फिर इसको आपने रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद उसको आपने कद्दूकश कर लेना है। और फ्रेंड्स, इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कद्दूकश जो आप करेंगे खीरे को, वो साफ सुथरा होना चाहिए, यानी अच्छी तरह से वॉश हुआ होना चाहिए खीरा, उसके बाद आप उसको कद्दूकश करें। इसके बाद आपने जब इस खीरे को डालना है जिस बर्तन में, वो भी साफ सुथरा बर्तन होना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि इस खीरे को जो आपने कद्दूकश किया था, इसको एक मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह से छान लें, निचोड़ लें और फिर अपने चेहरे को बेसन से अच्छी तरह से पहले धो लें। उसको खुश करके आप कॉटन की मदद से इसको, जो आपने खीरे का जूस निकाला था, वो अपने चेहरे पर अच्छी तरह से अप्लाई करें। इसको अप्लाई करने के बाद आपने आधे घंटे इसको अपने चेहरे पर लगा रहने देना है, यानी कि 30 मिनट तक। उसके बाद आप अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लें और चेहरा खुश्क करने के बाद आपने कारफोल मिला अर्के गुलाब अपने चेहरे पर लगाना है। और किसी किस्म की आपने ऑयली स्किन वाली जो होती है चिकनी क्रीम, वो इस्तेमाल नहीं करनी। तो हफ्ते में 2 दफा इसको जरूर इस्तेमाल करें। 1-2 हफ्ते के इस्तेमाल से ही जो आपकी स्किन का जो ऑयल है वो कंट्रोल हो जाएगा और आपके जो स्किन के पोर्स जो एक्स्ट्रा खुल जाते हैं वो भी बंद हो जाएंगे और आपकी स्किन का ऑयल भी कंट्रोल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान और सस्ती सी टिप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी और आप इसको जरूर अप्लाई करेंगे और मुझे फीडबैक जरूर देंगे। और जिन फ्रेंड्स ने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया। और जो आज फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि आप भी इससे फायदा उठा सकें और आपके जानने वाले भी इससे फायदा उठा सकें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती